नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान में एक बार फिर जुडिशरी का जबरदस्त अपमान हुआ। सरकार में शामिल पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के उस गेट पर कंटेनर लगा दिए गए जिस गेट से सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते जाते हैं। सरकार में शामिल 13 पार्टियों के हजारों कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट को घेर कर बैठे हैं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की नसीहत दी गई और इमरान खान को सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग की गई। दूसरी तरफ इमरान ने कहा कि अब उनकी वाइफ बुशरा बेगम को जेल में डालने की साजिश हो रही है, उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाने की तैयारी की गई है। हालांकि लाहौर कोर्ट ने बुशरा बेगम को 23 मई तक के लिए जमानत दे दी और इमरान खान की जमानत पर कल सुनवाई करने को कहा है, लेकिन इमरान का इल्जाम है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो लंदन में बैठे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। इमरान खान ने आशंका जताई कि जिस तरह से सरकार और फौज उन्हें 10 साल के लिए जेल में डालने की साजिश रच रही है, इसी तरह से शहबाज शरीफ की हुकूमत अब उन जजेस के खिलाफ डर्टी पॉलिटिक्स करेगी जो सरकार की लाइन पर नहीं चल रहे, जो आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। अब सवाल है कि इमरान खान को जेल में डालने के लिए क्या शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस को हटाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इमरान के सपोर्टर्स सरकार और फौज के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और शहबाज शरीफ के सपोर्टर अब सुप्रीम कोर्ट को घेर कर बैठे हैं। सवाल है, क्या अब पाकिस्तान में इमरजेंसी लगेगी? इन सवालों पर बात करेंगे आज की बात में, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूं आज इस्लामाबाद में क्या हुआ, कैसे आज सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के नेता मौलाना फजल रहमान की कॉल पर आज उनके हजारों सपोर्टर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गए। हजारों की भीड़ गेट तोड़कर इस्लामाबाद के रेड जोन में घुस गई। इस इलाके में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पार्लियामेंट और कई देशों के दूतावास हैं। मौलाना फजल रहमान ने 3 दिन पहले चीफ जस्टिस के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। फजल रहमान की कॉल को एलायंस में शामिल नवाज शरीफ की पार्टी समेत सभी 13 पार्टियों ने समर्थन दिया। सरकार का इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पार्टी बन गए हैं, कानून को ताक पर रखकर सीधे सीधे इमरान खान के हक में फैसले दिए जा रहे हैं, इसलिए अब सरकार और जुडिशरी के बीच तलवारें खींच गई हैं। अब हजारों प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के आसपास जमा हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान भी अपने सपोर्टर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ निकल गए। आज मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लामी और दूसरे दलों के हजारों सपोर्टर्स इस्लामाबाद के रेड जोन इलाके के बाहर जमा हुए। पहले तो शहबाज शरीफ की सरकार ने उन्हें रेड जोन में प्रोटेस्ट की इजाजत देने से मना कर दिया। सिक्योरिटी का हवाला देकर पीडीएम सपोर्टर्स को राजधानी के रेड जोन में जाने से रोक दिया। प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए रेड जोन के एंट्री गेट की जबरदस्त किलेबंदी की गई थी। इस्लामाबाद पुलिस के जवान तैनात थे। सुरक्षा कर्मियों के रोकने पर मौलाना फजल रहमान और उनके सपोर्टर्स भड़क गए। उनके साथ शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी थे। प्रोटेस्टर्स ने रेड जोन का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। उनको रोकने की सिक्योरिटी फोर्सेस की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। इसके बाद इस्लामाबाद प्रशासन ने रूलिंग पीडीएम की पार्टियों को रेड जोन में एंटर करने, सुप्रीम कोर्ट जाकर धरना देने की परमिशन दे दी। हजारों लोग रेड जोन का गेट छोड़कर दाखिल हो गए। उनका काफिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ चला। इमरान खान को शहबाज सरकार ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैंपस से अरेस्ट किया था, लेकिन 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर उन्हें रिहा कर दिया था। अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को सभी मामलों में गिरफ्तार करने पर 15 मई तक के लिए रोक लगा दी थी। शहबाज शरीफ की पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर्स का आरोप है कि अदालतें इमरान खान के ऊपर लगे करप्शन के आरोपों की जानबूझकर अनदेखी कर रही हैं। इसीलिए आज मौलाना फजल रहमान अपने सपोर्टर्स के साथ प्रोटेस्ट मार्च पर निकले और सुप्रीम कोर्ट में जाकर धरना दिया।
मौलाना फजलुर रहमान के साथ आज शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज भी सड़कों पर उतरी। मरियम नवाज भी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पीडीएम के धरने में शामिल होने पहुंची थी। मरियम नवाज ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ प्रोटेस्ट मार्च किया। मरियम नवाज के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हजारों कार्यकर्ता भी इस्लामाबाद के रेड जोन में शामिल हुए। इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होने के बाद एंट्री गेट से सुप्रीम कोर्ट की इमारत तक मार्च करने के बाद मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान एक कंटेनर में सवार हो गए। ये कंटेनर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने ठीक उसी गेट पर लगाया गया था जिस गेट से सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते जाते हैं। कंटेनर ने जजेस के आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने हजारों प्रोटेस्टर्स ने घेरा डाल दिया। अदालत की सिक्योरिटी के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपने गेट से निकलने के लिए जजेस के पास जगह ही नहीं बची। वो दूसरे रास्ते से ही कोर्ट से बाहर निकल सकते थे। कोर्ट के चारों तरफ मौजूद हजारों प्रदर्शनकारियों को एड्रेस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मौजूदा हुकूमत अदालत के उस फैसले को नहीं मानेगी जो संविधान के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने के बाद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जमकर जहर उगला। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नाम लेकर कहा कि वो अपनी सास यानी अपनी मदर लॉ के कहने पर फैसले लेते हैं और पलटते हैं। मरियम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का कत्ल हो रहा है, इसलिए चीफ जस्टिस बंदियाल फौरन इस्तीफा दें। हम आज यहां का एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं के फैसलों से फूटती है। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हम उन जजेस की बात आज नहीं करेंगे जो आईन और कानून पर चलने वाले जज हैं। आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी। उमर अता बंदियाल साहब की सास फरमा रही थी और वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उनकी वाइफ से बात कर रही थी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इमरान खान के वकील हैं, दोनों कहती हैं ये हाल देख लो चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ का, चीफ जस्टिस की सास का हाल देख लो, बात क्या हो रही है। जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत का नाम लेते और बात क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे उसकी सास, क्या बात, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही, गुफ्तगु क्या हो रही है। गुफ्तगु ये हो रही है कि ये कमबख्त तो अब मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। बोलो शेम। अब तो ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। वो तो मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है। जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी, दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी, फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहां से सहूलतकारी जो कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। मरियम नवाज की इस करारी तकरीर के बाद सुप्रीम कोर्ट के घेराव का कॉल देने वाले मौलाना फजलुर रहमान बोले। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके सपोर्टर जजेस को सुप्रीम कोर्ट से बाहर करना ही होगा। फजलुर रहमान ने कहा, अब इंतजार का नहीं फैसले का वक्त है। जानबदार जज
अपनी अदालती हैसियत को मजरूह कर चुका है, इसलिए आवाम की अदालत इस्लामाबाद में बराह रास्त बराजमा है और आवाम की अदालत ने फैसला दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसका एक मुख्तसर टोला वो पाकिस्तान की अदालत की तौहीन कर रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम अदालत की कदर मंजिलत बहाल करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की अदलिया के वकार को बहाल करना चाहते हैं और अदलिया इतनी मोहतरम है और उसका मकाम इतना बुलंद है, इतना बावकार है कि अगर इसके वकार के लिए इस बिल्डिंग के अंदर दो चंद जज दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार के सपोर्टर्स ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, वहां की नेशनल असेंबली में नेताओं ने इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगला, तीखी बयानबाजी की। इमरान खान को सरेआम फांसी देने की मांग की गई। सरकार के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी औकात में रहने की वार्निंग दे डाली। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की पार्टी के एमपी राजा रियाज ने कहा, इमरान खान शैतान है, गद्दार है, उन्होंने देश की फौज को बदनाम किया है, इस जुर्म के लिए इमरान खान को बीच सड़क पर फांसी दी जानी चाहिए। जिस तरह हमारे वो जहाज जनाब स्पीकर जिनको आज तक इंडिया गिरा नहीं सका, जिनको आज तक इंडिया फायर नहीं कर सका, इन कमबख्तों ने, इन मुल्क दुश्मनों ने, इन गद्दारों ने, ये जो सेंट हैं, ये जो यहूदी हैं, इन्होंने उन हथियारों को भी जनाब स्पीकर आग लगा दी। मियां अली में जो हमारे अरबों डॉलर के सासे हैं, उन जहाज़ों को भी आग लगाने की कोशिश की। इन्होंने रेडियो स्टेशन पेशावर को आग लगा दी। इन्होंने वो कुछ कर दिया जो आज तक जनाब स्पीकर इंडिया, जो आज तक तालिबान नहीं कर सके, इस इंतशार और फितने और यहूदी एजेंट और पाकिस्तान को तोड़ने वाले इमरान खान के जारियों और फितनों ने वो काम किया है जिससे हमारे सर उन शहदा के सामने, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। आज शहबाज शरीफ की सरकार के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लंबी लंबी तकरीरें की। मिनिस्टर्स ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान का फेवर करने के चक्कर में पाकिस्तान की अदालतों ने कानून और संविधान को ताक पर रख दिया है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सारी हदें पार कर दी हैं, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदलिया में एक ग्रोह ने सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया हुआ है। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी ग्रोह की हमायत कर रहे हैं, वो अदल नहीं कर रहे, वो कानून और आईन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे। उनकी फैसलों की बुनियाद जो है वो सियासी हमायत पे जो है रखी गई हुई है। अदलिया की रवायात और आईन में जो उनकी पावर्स या उनके हदूद जो डिफाइन हुए हैं, उनकी वायलेशन हो रही है। साफ जाहिर है कि 4-3 का एक फैसला आया हुआ है और उस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, माइनॉरिटी एक फैसला भी, मैं उसको नहीं कहूंगा वो फैसला नहीं है, उसकी कोई आईनी वक़्त नहीं है। अब मैं आपको मौलाना फजल रहमान के बेटे और शहबाज सरकार मिनिस्टर
असद महमूद की बात सुनवाता हूं। उन्होंने अपने ही मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी कि वो अवाम के सब्र का इम्तहान ना लें, इमरान का फेवर ना करें वरना अंजाम बुरा होगा। पार्लियामेंट के कानून साजी को भी रोक रहे हैं, यक तरफा फैसले भी इमरान खान के हक में दे रहे हैं, किसकी ख्वाहिशात पर दे रहे हैं, पूरा कौम इस बर्बाद कर रहा है। आज बच्चे बच्चे को पता है कि जब बेंच बनता है तो वो खुद बता देते हैं कि इस बेंच का फैसला क्या आएगा। ये आईन, ये कानून आपको, इसके साथ आपने हल्फ उठाया है। खुदा न खास्ता लोगों के सब्र का, लोगों के मुल्क के साथ वफादारी का इम्तिहान न लें कि आप जो चाहे मर्जी करते रहें, आप जो चाहे वो हो जाए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ के वजीर और उनकी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान को पानी पी पी कर कोस रहे थे, उस वक्त इमरान अपनी बेगम बुशरा बेगम के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। बुशरा बेगम की पेशी उसी अल कादिर ट्रस्ट के केस में हुई जिसमें इमरान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। चूंकि अल कादिर ट्रस्ट में बुशरा बेगम भी ट्रस्टी हैं, इसलिए उनके खिलाफ भी वारंट था। आज इमरान खान के साथ साथ बुशरा बेगम भी कोर्ट पहुंची, और जब बुशरा बेगम हाई कोर्ट पहुंची तो इमरान खान के सपोर्टर्स ने बुशरा बीवी के इर्द गिर्द चादर तान रखी थी जिससे कोई उन्हें देख न सके। हालांकि बुशरा बेगम ने बुरका पहन रखा था। कुछ ही मिनटों में हाई कोर्ट ने बुशरा बेगम को 23 मई तक के लिए जमानत दे दी, जबकि इमरान खान के खिलाफ 9 मई को ही वायलेंस के मामले में देशद्रोह के धाराओं में जो केस दर्ज किए गए हैं, इन मामलों में जमानत के लिए जब वो कोर्ट पहुंचे तो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की बेल पिटीशन पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। इमरान खान को तो कोर्ट से राहत मिल गई, उनकी वाइफ भी गिरफ्तारी से बच गई, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। इमरान खान की सरकार में होम मिनिस्टर रहे शेख रशीद ने आज दावा किया कि पाकिस्तान की इलीट फोर्सेज उनके घर में घुस गई हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहती हैं। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लग चुकी है, हुकूमत हर उस शख्स को जेल में डालने की कोशिश कर रही है जो इमरान खान के साथ खड़ा है। अभी लाल हवेली पर सैकड़ों अलीट के लोग और फोर्सेस जो हैं लाल हवेली के अंदर दाखिल हो गई हैं। ये मुझे और राशिद शफीक को गिरफ्तार करना चाहती हैं। ये इस्लामाबाद में भी कल इन्होंने कार्रवाई की कोशिश की। ये चादर और चार दीवारी का एहतराम है। हम किसी तोड़ फोड़ में ना शरीक हैं। हम सियासत अमन से करते हैं, असूल से करते हैं, दयानतदारी से करते हैं, लेकिन ये बदनसीबी है कि हालात को जानबूझ कर खराब किया जा रहा है, और इनकी ख्वाहिश है कि हम वो काम करें, वो बात करें जिससे कि कौमी नुकसान हो। हम मर जाएंगे, कभी कौमी नुकसान नहीं करेंगे। सियासत में हम इमरान खान के साथ हैं। अगर ये हमारा जुर्म है, इसमें हमारी गिरफ्तारी और कैद होती है, तो मैं भी और राशिद शफीक साहब भी दोनों हम तैयार हैं, और जो कुछ इस वक्त दाल हवेली में ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये सरासर ज्यादती है, ये सरासर गैर कानूनी है, गैर आइनी है। सिर्फ कौम को बताना चाहते हैं कि हमारा जुर्म ये है कि हम किसी तोड़फोड़ में किसी भी गैर कानूनी बात में कभी शरीक नहीं हुए, लेकिन असूलों की सियासत की है और असूल के साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। ये सारी बातें सुनकर, तस्वीरें देखकर लगता है कि पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी इदारे की रिस्पेक्ट नहीं बची। न कोई पार्लियामेंट को कुछ समझता है, न सरकार को। पिछले कुछ दिनों में फौज की इज्जत भी सरेआम उछाली गई, और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट हुई, जजेस को जिस तरह से गालियां दी गई, वो किसी को भी हैरान कर सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान में जो हो रहा है वो वहां की आवाम ने पहले भी कई बार देखा है। लोग भूल जाते हैं 1997 में, 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले सुनाए थे, सब सज्जाद अली शाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से, उस वक्त नवाज शरीफ की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, जजेस के चेंबर्स तक पहुंच गए थे और यहां तक धमकी दी थी कि अगर कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला तो जजेस को मार दिया जाएगा। सज्जाद अली शाह ने खुद को अपने चेंबर में कैद कर लिया था और डिस्ट्रेस कॉल दी थी, पाकिस्तान की फौज से मदद मांगी थी,
फौज की सिक्योरिटी में जजेस को कोर्ट से निकाला गया था। उस वक्त फजल रहमान की पार्टी ने कोर्ट पर हमले की निंदा की थी और आज फजल रहमान नवाज शरीफ की पार्टी के नेताओं के साथ खुद हजारों की भीड़ लेकर सुप्रीम कोर्ट के गेट पर कंटेनर लगाकर बैठ गए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नया नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है, सिर्फ प्लेयर बदले हैं, हरकतें वही पुरानी हैं। अब रुख करते हैं अपने देश की खबरों का। कर्नाटक में कांग्रेस ने इलेक्शन तो जीत लिया, जश्न भी मना लिया, लेकिन अब इस सवाल पर गाड़ी अटक गई है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार दोनों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। बेंगलुरु में यह मामला नहीं सुलझा तो अब दिल्ली में इस पर माथापच्ची चल रही है। दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। सिद्धारमैया तो कुछ विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए, लेकिन डीके शिवकुमार ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया। आज डीके शिवकुमार का बर्थडे है, वो दिन भर कार्यकर्ताओं के बीच रहे, जन्मदिन मनाया, उन्हें उम्मीद थी कि बर्थडे गिफ्ट मिलेगा लेकिन नहीं मिला, और शाम को उन्होंने कहा कि उनके पेट में दर्द है, वो दिल्ली नहीं जाएंगे। पेट में दर्द की बड़ी वजह मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर फंसा पेच है। पार्टी हमाइका इमरान तरफ से भेजे गए ऑब्जर्वर्स ने कल रात 3 बजे तक कांग्रेस के विधायकों से रायशुमारी की, फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग भी करा ली। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि ज्यादातर विधायक सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बनाने के पक्ष में हैं, इसीलिए डीके नाराज हो गए। हालांकि कांग्रेस हाईकमान के सामने दिक्कत यह है कि पार्टी के कई नेता भी डीके शिवकुमार के पक्ष में हैं। आज पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे और पता यह लगा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कर्नाटक में राजस्थान जैसे हालात पैदा नहीं होने देंगे। मतलब साफ है, अधीर रंजन डीके शिवकुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने के पक्ष में है। डीके के तेवर भी दिख रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि उनकी लीडरशिप में 135 विधायक जीत कर आए। शिवकुमार ने कहा उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, पार्टी को जिता दिया, अब फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। डीके शिवकुमार ने कहा जब हाईकमान फैसला लेगा उसके बाद वक्त आने पर वो बोलेंगे। We have under my leadership 135 MLAs. All of them with one voice have said that with the matter will be left to the High Command. I don't have any single number. I don't have my any personal number. Whatever my number is, the Congress number. I had assured Shrimati Sonia Gandhi when she appointed me in the midterm also. I assured Rahul Gandhi. I assured Mr. Mallikarjun Kharge ji that my aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. That is what we assured. So I am sure we will keep up our promise, lest the High Command will take us. Sir, I don't want to answer to any claims or anything. I am a man, single man. I believe in one thing. A single man with courage makes a majority. I proved it. I don't want to disclose what all has happened from the last 5 years. And future at a point of time, I will disclose. When we had a coalition government, when we lost a government, when all of our MLAs went out, 15 MLAs, 16 MLAs went out, I did not lose my heart. With courage, I have taken the responsibility. Today, for the Congress party, Mr. Mallikarjun Kharge, our senior leader from the state, he has his stakes on the state. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, responding, having confidence on us, has given us. We will leave the matter to them. DK Shivkumar खुलकर नहीं बोल रहे, वो numbers के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। उनका भरोसा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर है, लेकिन उनके तेवरों से साफ है कि कर्नाटक में कांग्रेस हाईकमान का इम्तिहान शुरू हो गया है। देर शाम डीके शिवकुमार ने अपने सांसद भाई डीके सुरेश को अपना मैसेज देकर दिल्ली भेजा है। सिद्धारमैया फिलहाल खामोश हैं, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कुर्सी को लेकर कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है उसके बावजूद
कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी फैसला हो जाएगा। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी में ऑल इज वेल। सुरजेवाला ने कहा यह सही है कि डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है और अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है, पार्टी हाईकमान सबको साथ लेकर आखिरी फैसला करेगा। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, राजनीति में इच्छा स्वाभाविक है, राजनीति में स्टेट को लीड करने की इच्छा में कोई गुरेज या बुराई नहीं मानी जानी चाहिए और सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। याद करिए एक बार पहले भी टीवी चैनल्स ने ऐसी ही एक बात चलाई थी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में डीके शिवकुमार जी और सिद्धरमैया जी दोनों ने इकट्ठे खड़े होकर ये कहा था, आपके सामने आपके कैमरास का पुराना बाइट निकाल लीजिए, कि हाँ मैं भी उम्मीदवार हूँ और डीके शिवकुमार भी उम्मीदवार हैं, और डीके शिवकुमार जी ने कहा था हाँ मैं भी उम्मीदवार हूँ और सिद्धरमैया जी भी उम्मीदवार हैं। तो राजनीति में इच्छा रखना कोई बुराई नहीं। भारतीय जनता पार्टी इंतजार में बैठी है पिछले 2.5 साल से, ये आज झगड़ा हुआ, पूरी भाजपा टूटकर बिखर गई, कांग्रेस में तो झगड़ा हुआ नहीं, तो ना अब हुआ ना आगे होने वाला है। सच्चाई ये है, कल रात 1 बजे की, अब मुझे नहीं पता आपको इसमें डिफरेंस दिखता है या मोहब्बत। तो आज क्योंकि मेरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथी शिव कुमार जी का जन्मदिवस भी है, कल सब कांग्रेस के लोग समेत डीके शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी बहुत प्यार से मोहब्बत से, जब रायशुमारी चल रही थी तो इधर सेलिब्रेशन भी चल रही थी। चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम अकेली नहीं आती, आज एक और मुसीबत दिखाई दी। चूंकि कांग्रेस को इस बार मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला, उन्होंने खुलकर कांग्रेस को सपोर्ट किया, कांग्रेस ने 15 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे जिनमें से 9 चुनाव जीत गए। इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बड़े मंत्रालयों पर दावा ठोक दिया। बेंगलुरु में सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में कहा गया कि मुसलमानों ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, अब कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस को मुसलमानों को उनका वाजिब हक देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके मांग की गई कि कांग्रेस इस बार कर्नाटक में किसी मुस्लिम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, इसके अलावा 5 मिनिस्टर भी मुस्लिम समाज के होने चाहिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शफी सादी ने कहा अब ऐसे हालात नहीं है कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावा ठोके, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता तो क्या हुआ, मुसलमानों के कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो होने चाहिए। मैं इलेक्शन का पहला ज बताए थे एक DCM मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे, 15 सीट मिले, उसमें 9 MLA जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67-72 MLAs सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है, इसलिए हमना एक DCM बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए, वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू एजुकेशन वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। अभी तो हमें CM का डिमांड अभी नहीं रख रहे, मैं DCM का क्या डिमांड रख रहे हैं, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हमें CM को पूछना है क्योंकि कर्नाटक का 6.5 करोड़ में हमें तो 90 लाख है, सेकेंड हाईएस्ट कम्युनिटी हमारा है मुसलमान SC ST को छोड़े तो। आज ये भी खबर मिली कि डीके शिवकुमार को यह समझाया जा रहा है कि अगर इस वक्त उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो केंद्र सरकार उनके खिलाफ चल रहे पुराने केसेस में जांच और तेज कर देगी, ED और CBI को लगाएगी, इससे सरकार और संगठन दोनों को एम्बेरसमेंट होगा, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जैसा हाल ना हो, वो कह रहे थे कि कर्नाटक के नतीजे के बाद BJP बौखला गई है, इसलिए अब कर्नाटक में ED CBI की कार्रवाई और बढ़ेगी। अभी जो कर्नाटक रिजल्ट आने के बाद जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं तो वो
इस घटना से उबर नहीं पाए और ईडी के अधिकारी भी क्या करें क्या न करें किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, लेकिन इससे उबरेंगे जैसे ही वो ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी क्योंकि बखलाए हुए हैं। तो जो हिंसक प्राणी यदि घायल हो जाए तो क्या होता है, और हमला करता है, तेज हमला करता है, तो उसी प्रकार की स्थिति। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसका झगड़ा चल ही रहा था। अभी भी खबर आई है कि डी के शिवकुमार कल दिल्ली आ सकते हैं और अब से थोड़े से पहले ये बात उन्होंने कही है। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर कौन होगा कांग्रेस के लिए मुश्किल तो है, टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कांग्रेस हाईकमान के सामने कई मजबूरियां हैं। सिद्धारमैया पुराने नेता हैं, उन्होंने ज्यादा संख्या में विधायकों को उनके सपोर्ट में कर लिया है, इसलिए उन्हें नाराज करना खतरे से खाली नहीं हो सकता। लेकिन डीके शिवकुमार की बात सही है कि जब पार्टी मुश्किल में थी, लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने सोनिया गांधी के कहने पर जान लगा दी। डीके शिवकुमार को आज अहमद पटेल की कमी महसूस हो रही है, अहमद पटेल उन्हें बहुत मानते थे। अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव को फाइनेंस करने की वजह से ही डीके पर रेड हुई थी, उनके रिलेटिव पर, उनके बिजनेस पार्टनर्स पर बहुत सारे केसेस दर्ज हुए। डीके शिवकुमार को लगता है कि उन्होंने ह्यूमिलेशन सहा, जेल में रहे, लेकिन तो भी उन्होंने कांग्रेस को फिर से खड़ा किया, चुनाव जितवाया, इसलिए चीफ मिनिस्टर तो उन्हें ही बनना चाहिए। डीके को लगता है कि उन्होंने सोनिया गांधी को कर्नाटक डिलीवर किया, अब बारी सोनिया गांधी की है उन्हें चीफ मिनिस्टर डिलीवर करने की। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के टकराव को देखते हुए कुछ लोगों ने सुझाव दिया बीच का रास्ता निकाला जाए। रास्ता यह था कि शुरू के 2 साल सिद्धारमैया को और फिर बाद में 3 साल डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये एक पेशकश थी। लेकिन शिवकुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल देख चुके हैं। इसीलिए डीके कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान को फैसला करने दीजिए, वो वक्त आने पर बोलेंगे। डीके की यही खामोशी कांग्रेस को परेशान कर रही थी। इतनी बात की राह जरूर है कि डीके अब कल दिल्ली आएंगे, हाईकमान से मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि डीके शिवकुमार अब सचिन पायलट नहीं बनना चाहते। सचिन पायलट राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ पदयात्रा कर रहे हैं, वो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में अगला चुनाव लड़ा जाए, और इसी बात को वो अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते रहते हैं। आज अपनी पदयात्रा के आखिरी दिन पायलट ने साफ साफ कह दिया, अगर 30 मई तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो गांधीवादी रुख छोड़कर सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। सचिन पायलट की पदयात्रा के समापन के मौके पर अच्छी खासी भीड़ जुटी। लोगों में जोश भी खूब था। सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने की मांग की गई। हालांकि खुद सचिन ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के सामने 3 शर्तें रख दी। पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार के करप्शन की जांच के लिए हाई लेवल कमीशन बने, जिस राजस्थान सेवा चयन आयोग के पेपर लीक हुए हैं उस कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और इम्तहान में बैठने वाले स्टूडेंट का जो नुकसान हुआ है उन्हें हर्जाना दिया जाए। पायलट ने कहा वो गहलोत सरकार को और पार्टी हाईकमान को मई महीने के आखिर तक का टाइम दे रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे स्टेट में बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। आरपीएससी को बंद कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर नहीं मानी गई
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है, महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, गाड़ी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे। सचिन पायलट ने आज अपनी रैली में अपने सपोर्टर्स विधायकों को भी बुलाया था। पायलट के सपोर्टर विधायक लगातार गहलोत की सरकार पर अटैक कर रहे थे, लेकिन सचिन पायलट बार बार कहते रहे कि उनकी पदयात्रा गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं है, बीजेपी की सरकार के दौरान हुए करप्शन के खिलाफ है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने पिछला चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा था, पार्टी चुनाव भी जीती, लेकिन ऊपर से बाज आया और माला किसी और के गले में डालकर चला गया, तो वो क्या कर सकते हैं। 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन तमाम नेताओं ने, सम्मानीय गहलोत साहब ने भी बढ़ चढ़कर हर मीटिंग में, हर भाषण में वसुंधरा जी पर आरोप लगाए। जब सरकार हमारी बनी, बाज आया, उसने माला किसी के गले में डाल दी। अब बाज क्या करता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब सरकार हमारी बनी तो हमारा दायित्व था कि जो हमने कहा उसको कर दिखाएं। सचिन पायलट तो वसुंधरा सरकार पर करप्शन का आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनके समर्थकों ने सीधे सीधे अशोक गहलोत और उनके करीबी मंत्रियों पर ही करोड़ों के भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा दिया। अशोक गहलोत की सरकार में मिनिस्टर राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। उनके पास इस बात के सबूत हैं कि गहलोत ने बीजेपी के विधायकों को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ दिए थे। राजस्थान के विधानसभा में ईमानदारी का बीज खत्म हो रहा है। भरत सिंह जी चिल्ला रहे हैं, धारीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, प्रमोद जैन भाया खा गया, बारे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। सुनने वाले नहीं है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लौटाऊंगा। मुख्यमंत्री जी, आपके और वसुंधरा जी के साथ साथ ही कोरोना होता है। कोरोना मुख्यमंत्री जी का कोरोना होता है, उसी टाइम में वसुंधरा जी का कोरोना। ये मूली जुली सरकार, ये मिली जुली सरकार। मुख्यमंत्री जी, आपने बीजेपी के हेलीकॉप्टर खाली लौटाए, वो कौन सी जादूगिरी थी? ये उनका, मेरे पास हिसाब और सबूत है, हमारे पास सबूत है। भाजपा के विधायकों को खरीदने का पैसे का करोड़ों रुपए का सबूत है इस राजेंद्र गुट्टा के पास। इस बात में कोई शक नहीं कि सचिन पायलट की सभाओं में जबरदस्त भीड़ आ रही है। कांग्रेस हाईकमान कह चुकी कि ये कांग्रेस की रैलियां नहीं है, ये कांग्रेस का संगठन नहीं है। इसका मतलब ये सचिन पायलट का अपना जलवा है। जाहिर है इस बात से अशोक गहलोत परेशान होंगे, और वो इस बात से भी परेशान होंगे कि उनकी सरकार के मंत्री ही गहलोत की सरकार के खिलाफ खुलेआम करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। अब अशोक गहलोत पूछ रहे हैं कि अगर किसी के पास सबूत हैं तो जांच एजेंसियों को क्यों नहीं देते? अगर उनकी नहीं सुनी जा रही तो मंत्री क्यों बने हुए, इस्तीफा क्यों नहीं देते? अशोक गहलोत और उनके साथियों का कहना है कि ये सब अशोक गहलोत को कमजोर करने, चुनाव से पहले गहलोत को घेरने की रणनीति है। सचिन पायलट की इच्छा है कि कांग्रेस हाईकमान इस बार चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, लेकिन लगता है कि अशोक गहलोत ने हाईकमान को समझा दिया है कि सचिन पायलट बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं,
इसलिए पायलट की उम्मीद तो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही। अब सवाल है कि सचिन पायलट क्या करेंगे, उनके साथ पब्लिक सपोर्ट तो है। तो इस बात के संकेत मिले हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी का झगड़ा निपट जाए, सरकार का गठन हो जाए, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट के मानवे पर ध्यान देंगे। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह लगता है कि सचिन पायलट को कुछ मिलेगा ये मुश्किल है, उनके खिलाफ एक्शन होगा इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। तो सचिन पायलट क्या करेंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, किसी के साथ समझौता करेंगे, चुनाव के मैदान में उतरेंगे? कांग्रेस के इन झगड़ों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस इंटरनल फाइट्स में जुटी है, लेकिन बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। असम के चीफ मिनिस्टर हिम्मत बिस्वा सरमा ने ओवैसी के गढ़ में जाकर कहा अब जल्दी ही पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। हिम्मत बिस्वा सरमा ने करीमनगर में रोड शो किया, जबरदस्त भीड़ थी। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंडी संजय हिमंता के साथ थे। इसी रोड शो के दौरान हिमंता ने कहा जो लोग चार चार शादियां करते हैं उन पर पाबंदी लगेगी, देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। भारत में हमारे कोई लोग हैं, वो लोगों का मन में ही था कि हम एक मर्द हो और हम सार सार बीबियों को शादी कर सकता हो, ऐसा उनका मन में था। लेकिन मैं बोलने वाला हूँ कि ये चार सार शादी भी आप आगे नहीं कर सकेगा, वो दिन भी खत्म होने वाला है, वो दिन भी और ज्यादा दिन नहीं रहेगा। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है और भारत में हमारे देश को एक सच्चा सेकुलर राष्ट्र बनाने का समय भी आ चुका है। भाई और बहनों, आप लोग एक बात सोच के रखिए कि हमारे तेलंगाना में आज तक जो हुआ वो हमें बदलना है और हमें एक नया सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन का ऊपर हमें तेलंगाना में राम राज्य बनाना है। 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि अयोध्या में राम मंदिर होगा, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज आप भगवान श्री राम का चमत्कार देखिए, इसी साल में हमारा राम मंदिर बनने वाला है। मैंने आज टीवी में कोई लोगों को देख रहा था कि हिंदू का नाम में भारत में और कुछ नहीं होगा। भैया और बहनों, आप लोग टीवी स्टूडियो में जो भी बोले, जब तक चंद्र और सूरज रहेगा भारत में राष्ट्रवाद रहेगा, भारत में सनातन रहेगा, ये आप लोग सुन लीजिए। हिम्मत बिस्वा सरमा की लाइन एंड लैक बिल्कुल क्लियर है। सनातन धर्म की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, और आज उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को सीधे सीधे चैलेंज किया। हिम्मत ने कहा कि वो असम में मदरसा एजुकेशन को बंद करने जा रहे हैं। अब तक 600 मदरसे बंद किए जा चुके हैं, इसी साल वो 300 मदरसे और बंद करेंगे। अगर ओवैसी हिम्मत है तो रोक लें। हिम्मत बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि जो लोग लव जिहाद को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो असम आकर देखें, असम में लव जिहाद के हजारों मामले हैं, इसलिए इस पर भी रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। आज हमारा हिंदू का बच्चियों को कैसे टेररिस्ट बनाने का सरजन चल रहा है, ये केरला स्टोरी ने एक्सपोज किया। जब केरला स्टोरी सिनेमा हमारे हॉल में आया, हमारा सेकुलर लोग बोलने लगा कि ये झूठ है, झूठ है। अरे सेकुलर भाई और बहनों, आप असम में आओ, मैं हजारों लड़की हजारी बच्ची को नाम बोलूंगा जो लाभ जेहाद का शिकार बन चुका है। आज हम असम में लाभ जेहाद का खिलाफ
काम कर रहा हूं। असम में हम मद्रासा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूं। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रासा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओएसी जी जाके बोला कि आपने मद्रासा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओएसी को बोला, आप क्या देख लेगा, मुझको आपका घर में बुलाइए, मैं आपका घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए, और मुझे नहीं ये नया भारत को भी देख लीजिए जो ओएसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है, ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओएसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 600 में 2 साल में बंद किया और 300 मद्रासा एक साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। हिम्मता ने ललकारा तो ओवैसी ने जवाब दिया, ओवैसी ने जवाब दिया बैरिस्टर के अंदाज में। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिम्मता ने जो बात कही उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर देश में कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो फिर कौन किससे शादी करेगा, इसका फैसला सरकार कैसे करेगी। दैट द असम चीफ मिनिस्टर ही गिव्स एन इंप्रेशन दैट ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, बट ही इज नॉट अ स्मार्ट पर्सन, बिकॉज इन वन ब्रेथ ही सेज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड इन अदर ब्रेथ ही सेज अबाउट लव जिहाद। How can you have uniform civil code and also laws against conversion or people getting married based on their choice? So that in itself clearly shows the hypocrisy of the Assam chief minister, that his hatred for a particular minority, Muslim minority community comes out when he speaks in dual language. Telangana ke jis ilake mein Himanta Biswa Sarma ne मदरसों को बंद करने की बात की, राम मंदिर की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, इस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी का डोमिनेशन है, उनकी तूती बोलती है। ओवैसी के घर में जाकर हिम्मता ने जो कहा उससे ओवैसी के वोट बैंक पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदू वोटर्स बीजेपी के फेवर में कंसोलिडेट हो सकता है, और लगता है कि बीजेपी की यही रणनीति है। और आने वाले दिनों में केसीआर की पार्टी इसका जवाब देगी, इसका जवाब उनके बयानों में दिखाई देगा। आज ममता बनर्जी ने बड़ी बात कही। ममता ने कहा कि वो कांग्रेस का साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते सीटों के बंटवारे के मामले में कांग्रेस रीजनल पार्टीज का ख्याल रखे। ममता ने कहा अगर बीजेपी को हराना है, विरोधी दलों को 2024 में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कांग्रेस कुछ कुर्बानी करे। ममता ने कहा जहां रीजनल पार्टियां स्ट्रांग हैं वहां कांग्रेस को उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां रीजनल पार्टीज उसे सपोर्ट करें। वेयर एवर द रीजनल पार्टी इज स्ट्रांग देयर बीजेपी कैन नॉट फाइट, एंड वेयर द पीपुल्स आर वेरी डिमोरलाइज्ड, सो एट दिस सिचुएशन आई थिंक whoever is strong in some places in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi. Bihar, they are together. So they Nitish ji, Tejasvi, and Congress also some parties there. So they will decide. I cannot decide their formula. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, nothing is wrong. But they have to see that, they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day, it should not be the policy. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. Suppose in UP, of course, Akhilesh is to give the priority, the Ajit Singh is there also, they have other combination.
I'm not telling that Congress should not fight there. It is, let us decide this. It is not at the final stage. When the matter will be discussed, then we can discuss into in details. लेकिन ममता के इस फॉर्मूले को अधीर रंजन चौधरी ने आज ही सिरे से खारिज कर दिया। अधीर रंजन ने कहा कि ममता बंगाल में कांग्रेस को खत्म करना चाहती हैं। उन्होंने कहा चूंकि ममता को ये लग रहा है कि अब कांग्रेस की मदद के बगैर बंगाल में बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, इसलिए ममता इस तरह के बयान दे रही हैं और कांग्रेस उनकी बातों में जरा भी नहीं आएगी। बिल्कुल लड़ेंगे बंगाल में, क्यों, हर जगह लड़ेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमें। आज ये कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, ममता जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही हो के सुने आपने? ये वो ममता बनर्जी जो यूपी जाती है, बिहार जाती है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो लड़ते हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रहे थे। जीत हुई फिर भी उनकी जुबान से राहुल गांधी जी के नाम नहीं निकले। आज जब ये लगने लगे कि बिना कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी की हालत और मुश्किल में जाने की हालत है, तो आप बात घुमा फिरा के बोलना शुरू कर दिए। आपके अधोका जिस दिन नीतीश कुमार ममता से मिले थे उसी दिन मैंने कहा था कि अभी तो सब मोदी के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कहेंगे, लेकिन जब बात होगी सीटों के बंटवारे की, बात होगी सीटों के बंटवारे के लिए फॉर्मूले की, उसी दिन तलवारें खिंच जाएंगी। आज यही दिखाई दिया। असल में ममता बनर्जी जो फॉर्मूला बता रही हैं, जो आइडिया दे रही हैं, कांग्रेस उसे कभी नहीं मानेगी, क्योंकि अगर ममता के मुताबिक कांग्रेस 200 चीजों पर लड़ेगी तो फिर कांग्रेस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राहुल गांधी का दावा कैसे करेगी? तो जाहिर है वो कांग्रेस जो अब अति उत्साहित है, जोश में है, कर्नाटक की जीत के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है, इस फॉर्मूले को कभी मंजूर नहीं करेगी। अब मैं आपको कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाता हूं। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आजकल पटना में हनुमान कथा कर रहे हैं। पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा है। आज इसका तीसरा दिन था, लेकिन पहले दिन से ही जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। आज तीसरे दिन भी दूर दूर से लोग उन्हें सुनने आए, बड़े बड़े नेता मौजूद थे, भीड़ इतनी थी कि संभालना मुश्किल था। चारों तरफ सड़कें जाम हो गई, पंडाल हाउसफुल हो गया। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को संभाला। हालत ये होगी कि रात में 2 बजे धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया कि कल वो अपना दरबार नहीं लगाएंगे क्योंकि ज्यादा भीड़ के कारण लोगों को दिक्कत हो सकती है। बजरंगबली की धीरेन्द्र शास्त्री कथा में यूपी, बंगाल और झारखंड से भी लोग पहुंचे हैं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया कि लोग दरबार में ना आए तो लोग नाराज हो गए। हर कोई बाबा बागेश्वर के दर्शन करना चाहता था, इसलिए इनकार करने के बाद भी धीरेन्द्र शास्त्री को आज दरबार लगाना पड़ा। लेकिन उन्होंने लोगों से एक बार फिर अपील की, जो लोग आज आए हैं वो कल ना आए, वो कल टीवी पर ही कथा सुने। जितना भी श्रोता समुदाय, कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सामने सब जगह एकदम लगे पगले ही पगला नजर। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है, आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को, तीनों पंडाल फुल हैं, फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। अब नहीं है व्यवस्था तो क्या करें, अब पूरा क्षेत्र ही जाम है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब पहली ऐसी कोई कथा होगी जिसमें भक्तों को रोका जा रहा हो कि आप मत आना। और ये भारत का रिकॉर्ड
बिहार में ही बनकर के रह गया है। वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री कथा में लाखों की भीड़ देखकर बड़े बड़े नेता और राजनीतिक पार्टियां भी अचंभित हैं, हैरान हैं। और बड़ी बात है कि बिहार में जो रिस्पॉन्स मिला है उससे खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी आश्चर्य में पड़ गए हैं। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे। वो लोगों से कह रहे हैं कि दरबार में ना आए, अपने घर में बैठकर कथा सुने। जहां कथा हो रही है वहां लाखों लोगों के लिए ना बैठने का इंतजाम है, जबरदस्त गर्मी है, न पंखे हैं, न पानी है। इसके बावजूद लोग अपने खर्चे पर पटना पहुंच रहे हैं और लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। ये वाकई में आस्था की शक्ति का सबूत है। अब मैं आपको बताता हूं कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ किस कदर जुल्म किया गया था, किस तरह से झूठा केस बनाया गया था। आर्यन को गिरफ्तार करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसमें हैरान करने वाली डिटेल्स हैं। FIR में चार और लोगों के नाम भी हैं जिनमें NCB के दो पुराने अफसर विश्व विजय सिंह और आशीष रंजन के साथ साथ KP गोसावी और सैंडल डिसूजा के नाम हैं। किरण गोसावी वही शख्स था जो गिरफ्तारी की रात आर्यन को लेकर NCB ऑफिस में आते दिखाई दिया था। बाद में वो NCB के ऑफिस में आर्यन के साथ सेल्फी लेते और फोन पर किसी से बात कराते हुए दिखा था। वो वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि इस पूरे ऑपरेशन को किरण गोसावी ने ही अंजाम दिया था और वो NCB का कोई अफसर जैसा दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात है कि किरण गोसावी NCB का कर्मचारी नहीं था, लेकिन समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार करके शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की जिम्मेदारी किरण गोसावी और सैंडल डिसूजा को दे रखी थी। आर्यन को 2 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। तब NCB ने आरोप लगाया था कि आर्यन और उनके दोस्तों के पास ड्रग्स मिले हैं। हालांकि बाद में यह आरोप गलत साबित हुआ और आर्यन खान को कोर्ट से रिहा कर दिया गया। इसके बाद विजिलेंस जांच में पता चला कि समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने आर्यन को गिरफ्तार करने के बाद शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे थे और पैसे न देने के एवज में उनके बेटे को ड्रग्स के केस में फंसाने की धमकी दी थी। समीर वानखेड़े की तरफ से किरण गोसावी ने ही पैसे की बात की थी। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक पहले किरण गोसावी ने शाहरुख से 25 करोड़ मांगे, फिर बात 18 करोड़ पर तय हुई। इसमें से 50 लाख रुपए किरण गोसावी ने एडवांस ले भी लिए थे, जबकि उसका NCB से कोई संबंध नहीं था। हालांकि बाद में इसमें से कुछ पैसा वापस कर दिया गया। विजिलेंस जांच के दौरान समीर वानखेड़े ने न तो अपने फॉरेन टूर की जानकारी दी, न उसके एक्सपेंसेस के बारे में बताया और न ही उन एक्सपेंसिव वॉचेस के बारे में जानकारी दी या दूसरे खर्चों के बारे में बताया। इसके बाद NCB के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस केस की CBI जांच की सिफारिश कर दी। समीर वानखेड़े पर केस दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के नेता अजीत पवार ने कहा, उन्होंने तो लोगों को बदनाम कर दिया, अब जांच होती रहे उससे बदनामी तो खत्म नहीं होगी। अभी उनके खिलाफ इंक्वायरी चालू है, इंक्वायरी खत्म होने के बाद सब कुछ आगे आज आएगा कि क्या गलत था, क्या सही था, किसका स्टेटमेंट ठीक था, किसका स्टेटमेंट गलत था, वो सब सामने आएगा। आप लोगों को बहुत बदनाम किया था उस दौर में। किया था ना, जब उनके हाथ में कुछ रहता है तो बदनाम लोग करते ही है, ऐसा ही चलता है। लेकिन बाद में पता चलता है 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, लेकिन बदनामी तो जो होनी है वो हो ही जाती है। अजीत पवार की बात सही है, जो बदनामी हुई उस वक्त लोगों ने जो जो कहा उसका खामियाजा कौन देगा। यह सोचकर भी सहरन होती है कि जब आर्यन को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया, उनके ऊपर ड्रग्स का इल्जाम लगाया, उस वक्त शाहरुख और गौरी पर क्या बीती होगी। वो जानते थे उनका बेटा बेकसूर है, लेकिन वो जेल में बंद था, जमानत भी नहीं हो रही थी और वो मजबूर थे, हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। एक मजबूर पिता और एक परेशान मां के दिल पर क्या गुजरी होगी। शाहरुख ने जो दर्द झेला, आर्यन की जो बदनामी हुई, उसे देश की कोई अदालत वापस नहीं लौटा पाएगी। लेकिन इस केस ने यह मौका जरूर दिया कि समीर वानखेड़े जैसे उन अफसरों की पहचान की जाए
और सख्त से सख्त सजा दी जाए जो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके बड़े लोगों को झूठे मामलों में फंसाते हैं, ब्लैकमेल करके वसूली की कोशिश करते हैं। आज की बात में इतना ही, मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।